दौसा जिला मुख्यालय पर स्थित राजेश पायलट स्टेडियम में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट किया और सलामी ली। इस अवसर पर SDM नरेश बुनकर ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। इस अवसर पर शहीदों की वीरांगनाओं का भी सम्मान किया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जिले की 46 प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। वहीं समारोह में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी और देशभक्ति गीतों पर शानदार नृत्य किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। बस गणतंत्र दिवस बड़ा खुशी का दिवस होता है और पूरे देश में 75वां मनाया गया, ऐसे ही दौसा में मनाया गया है। पूरे जिले के लोग और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के जो छात्र छात्राएं यहाँ पर आई हैं, उन्होंने राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत अपना जो है वो प्रदर्शन किया है, जिससे हमको सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और राष्ट्रीयता का राष्ट्रभक्ति का भाव सब में जागृत रहना चाहिए। देश के चहुओं ऐसे देश हैं जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, वो बिल्कुल भी हमको रोज आंख दिखाते हैं और उनको जैसे पुलवामा में एयर स्ट्राइक से किया और गलवान में जैसे चाइना के दांत खट्टे किए, इन युवा पीढ़ी के बलबूते पर हम ये कर सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं। आज पहली बार भगवान राम से जुड़े हुए कार्यक्रम पेश किए गए। नहीं देखो, तो भगवान राम तो अपने सबके रोम रोम में समाया हुआ, चाहे कोई हो, कांटा भी लग जाए तो राम को याद करते हैं। और ये कार्यक्रम आज जो प्रदर्शित किया, पूरी रामायण का जो दृश्य वो 8-10 मिनट में सबको दिखा दिया, प्रेरणादायक।